हे गाइस, सो पूरी तरीके से रेडी है और अब निकलते हैं अपनी राइड की ओर। तो गाइस अभी देख लो, पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और फर्स्ट टैंक ऑफ द डे। अब अपनी टंकी पूरी नाक तक भर दी है पूरी उन्होंने भी ना पूरी नाक तक भर दी, बिल्कुल नाक तक, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं इतना सा भी हिस्सा उसका। और एक ग्लव्स गिरने की ना परंपरा मेरी काफी सालों से चलती आ रही है, तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा अब। चलो गाइस लेट्स रोल। अभी मैं हूँ प्रशांत विहार के आसपास और आप देख सकते हैं कितना गंदा जाम लगा हुआ फ्लाईओवर के ऊपर ही। और मेरे मन में बस यही चल रहा है, मैं किस घड़ी पे आ गया यार, किस घड़ी निकला मैं। आई होप जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ दिल्ली से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आगे हुआ है एक्सीडेंट तो इस चक्कर में लग गया है जाम। सो गाइस देख लो कितने कट टू कट चलती है गाड़ी यार। ए, निकलने नहीं दे रहे, सोच रहे ये निकाल लेंगे, ऐसे निकालनी पड़ती है गाइस कट टू कट। पूरा लंबा जाम है यार। तो गाइस अभी हम आ गए हैं करनाल बाईपास, क्रॉस करने वाले हैं, अभी दिल्ली में ही है बट अब एंटर करने वाले हैं। तो बस अभी चल रहे हैं और बाकी सब बढ़िया है, सब मज़े आ रहे हैं अभी, बढ़िया बढ़िया चीज़ देख रहे हैं, बस चल रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है यार, मज़े आ रहे हैं बहुत। जो फील है ना रात की ड्राइव की, कसम से ऑल द वे फन, बहुत ही प्यारी लगती है। रोड्स पिकअप सब बढ़िया यार, सब मस्त, मज़ा एकदम, कुछ भी दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं, सोनीपत क्रॉस कर चुके हैं, मूर्तल पहुंचने वाले हैं और बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो रहा है। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30, रोड भी बहुत ही प्यारी दिख रही है और बाकी सब बहुत अच्छा है। बाइक इज़ परफॉर्मिंग वेल, आई एम नॉट क्रूजिंग अबव 90, अभी तक मैंने 90 भी इस बाइक को अभी तक टच नहीं करा है, क्योंकि इसकी कल सर्विस होनी है सेकेंड, एंड आई वॉन्ट कि जब तक इसकी दूसरी सर्विस नहीं होती तब तक मैं इसे 80 से 90 से ऊपर ना लेकर जाऊँ। एनी वेज बाकी गाड़ी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटी सी 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगा पानी वानी पीने के लिए और तब फिर सीधा हम बाहर रुकेंगे। अब सामने और दिल्ली से बाहर निकलने वाले जाम ने ना बहुत परेशान कर दिया, लिटरली इतना ज़्यादा जाम था ना कि कुछ बता नहीं सकता मैं आपको, क्या हाल थे, क्या हाल थे। हे गाइस, सो अभी मैं हूँ कहीं पे अपना शाहबाद के पास, नहीं करनाल के पास, और अभी हूँ करनाल के पास। बहुत ठंड लग रही है क्योंकि पूरी ये जैकेट ना गीली हो चुकी है, सोनीपत के बाद से ही एकदम बारिश बहुत तेज थी और इसका रेन लाइनर भी कोई खास काम नहीं किया, जितना जूतों में पानी भर चुका है। इवन दो आई एम हेयर राइट नाउ और वो वहाँ पे खड़ी है बाइक सामान रहा और ये चाय आ गई अपनी। दिस इज द बेस्ट वे टू लीव अम्बाला। अभी तो घर से ही आ रहा हूँ ना, अम्बाला से यहाँ से। सो दिस इज़ द लास्ट टाइम इन दिस शोरूम आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल पहले ये बंदा मिला था, 4 साल पहले ये मिला था, 4 साल हो गए ना, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, याद है 4 साल, 5 साल, 4 साल, सबसे पुराना यही है। कितना
गाइस, आज थोड़ा सा सीन हो गया था कुछ ऐसा कि हम लोग निकले 7:30 बजे पंचकुला से, और अभी मैंने एक BBG का ग्लव लिया है पंचकुला से, और बाकी सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है और एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। और आप देख सकते हैं बाइक कितनी प्यारी लग रही है। अभी टैंक बैग मैंने निकाल लिया और आ रहा हूँ। अभी हम हैं सोलन से 34 किलोमीटर पहले और यहाँ पे पहुँच गए हैं हम। हाँ जी, डिनर नहीं है, मोमोज है, स्प्रिंग रोल है। मोमोज है, कौन से हैं, वेज है नॉन वेज है? खाएंगे हम हेलो बड़ी व्हाट्सअप। सो अभी हम पहुंच चुके हैं सोलन और राइड हो रही है बहुत ही बढ़िया। इवन तो बारिश नहीं है बट हमने फिर भी लाइनर पहन ली है, रेन लाइनर, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है इस समय। प्रेजेंट वेदर है, एकदम प्रेजेंट वेदर। हे गाइस, अभी हम आ रखे हैं शिमला बस स्टैंड पे खाने के लिए। अभी हमारा स्टे है नारकंडा में, और जो टनल पड़ती है शिमला वाली, वहाँ से हमें पुलिस वालों ने बताया था कि आप शिमला बस स्टैंड जाओ और वहाँ पे आपको खाने का मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और वी जस्ट हैविंग राजमा चावल। आपको दिखाते हैं। हे गाइस, सो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल्ली से नारकंडा तक का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुका था अम्बाला में, और भी बहुत जगह का मैंने शूट किया है, बहुत जगह का नहीं किया है। होगा आपकी छोटी छोटी झलक देखने को, बट आज से हम प्रॉपरली शूट करेंगे नारकंडा से सांगला, सांगला से चितकुल, और चितकुल से कल्पा, फिर आगे धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। कल रात को हम पहुंचे थे 2 बजे और अभी हमारा रूम देख लो आप कुछ ऐसा है, और रात को 2 बजे पहुंचे थे, अब बजे हैं 10 बजे। थोड़ा हम लेट निकल रहे हैं क्योंकि हमारे को ज़्यादा हसल बसल नहीं है, हमें जल्दी जल्दी करना नहीं है, बट स्टिल। हे गाइस, ऑल सेट, रेडी टू लीव, सब कुछ पैक हो चुका है, एवरीथिंग इज डन हियर, और अब निकलने की पूरी तैयारी हो रही है। और एज यू कैन सी बहुत ही स्वीट सा प्यारा सा रूम था ये। तो चलो अब चलते हैं आपको लेके रोड पे और दिखाते हैं आपको रोड। आज चलते हैं रोड पे।